Hello and welcome back everyone. So my name is Pramod and you are watching Floor Plan Hub channel. So last ट्यूटोरियल वीडियो में जैसे कि आप करेंटली वीडियो में स्क्रीन पर देख पा रहे हो अभी सो इतना मॉडल हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया था. सो अभी हमने यहाँ पे सीरीज के कम्प्लीटली दो ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं. सो अगर अभी अब तक आपने वो वीडियोज नहीं देखी हैं सो उसकी लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है. सो इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम देखेंगे कि सिंपली यहाँ पे हम किस तरह से मटेरियल्स अप्लाई कर सकते हैं अपने कंप्लीट मॉडल पे. सो लेट अस ओपन द 3D व्यू. 3D व्यू ओपन करने से पहले ये जो हमने मॉडल इन प्लेस से बनाया था यहाँ पर आप देखोगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो कॉलम के ऊपर है. सो हम इसको यहाँ पे सिंपली मूव कर ले रहे हैं समथिंग लाइक दिस. सो ये इस तरह से यहाँ पे कॉलम से हट जाएगा. देन यहाँ पे कॉलम जो है ये आपका फ्लोर के ऊपर जा रहा है. सो सबसे पहले तो यहाँ पे जो अलाइनमेंट है ये अलाइनमेंट हम इस तरह से प्रॉपरली सेट कर लेते हैं. एंड देन इसके बाद यहाँ पे हम कॉलम को सेलेक्ट करके भी इसका टॉप ऑफसेट है वो भी सेट कर सकते हैं. प्लस यहाँ पे जो मॉडल इन प्लेस हमने बनाया था उसको अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम थोड़ा सा एडजस्ट कर ले रहे हैं समथिंग लाइक दिस. ओके सो अभी ये सारी चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे हमने इसको बाहर की तरफ सेट करके रखा हुआ है इस तरीके से. ओके नाउ नेक्स्ट यहाँ पे कॉलम का जो सन पार्ट है इसका टॉप ऑफसेट कर दे रहे हैं -1 फिट. ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ओवरलैपिंग का पार्ट था ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा. बाकी यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ भी ओवरलैपिंग इस तरह से आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं या तो कॉलम का साइज बढ़ा सकते हैं या फिर कॉलम को अलग अलग स्प्लिट करके भी बना सकते हैं हम एक तरीके से. ओके और फिर इसके बाद यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि ये जो पार्ट है इतना ठीक है इसमें अलग से हम वुडन मटेरियल अप्लाई करेंगे. एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ पॉपअप करना चाह रहे हैं एक तरीके से. तो हम सिंपली यहाँ पे स्वीप कमांड लेते हैं पिक पाथ और ये पाथ हम इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे. मेक श्योर डैट जो पाथ आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूअस पाथ हो समथिंग लाइक दिस. ओके देन यहाँ पे ट्रिम एक्सटेंड टूल लेकर हम जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं वो यहाँ पे हम ट्रिम कर दे रहे हैं ट्रिम एक्सटेंड. सो जनरली यहाँ पे मैं एक्सटेंड ही यूज़ कर रहा हूँ. ओके सो कंसिस्टेंट कलर लगा लीजिए जिससे जो आपका स्केच है हिडन लाइन में और भी ज़्यादा सही दिखेगा. सभी देख सकते हो ये लाइन पीछे की तरफ चली गई है तो अभी हम इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड करके देन ट्रिम एक्सटेंड टूल लेके अगेन और जो पीछे वाली लाइन है इसको हम यहाँ पे ट्रिम आउट कर दे रहे हैं. ठीक है सो अभी ये हमारे पास पाथ तैयार है. अभी हम एडिट प्रोफाइल करते हैं एंड यहाँ पे हल्का सा मुझे आगे की तरफ निकालना है अप्रॉक्सीमेटली 4 इंच. तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक स्केच बना लिया है. सो आप देख सकते हो यहाँ पे बट यहाँ पे बीच में आप देखो थोड़ा सा यहाँ पे आपको गैप देखने को मिल रहा है. ऐसा इस वजह से क्योंकि जो हमने पाथ क्रिएट किया है वो देखो यहाँ पे ज्वाइंट नहीं है. सो ट्रिम एक्सटेंड से लेके अगेन ज्वाइन करके फिनिश कर दीजिए एंड अगेन यहाँ से रियलिस्टिक व्यू लगा लीजिए तो आप देख सकते हो ये कम्प्लीटली इस तरह से एक पॉपअप टाइप का पार्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया है. ओके सिंपली क्लिक ऑन फिनिश मॉडल एंड फिनिश मॉडल करने के बाद अभी हम यहाँ पे सिंपली इसमें क्या कर सकते हैं अपना वुडन मटेरियल्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं. मैनेज पे मैनेज पे आने के बाद यहाँ से मटेरियल्स मटेरियल्स पे आने के बाद हम सिंपली यहाँ पे पहले एक पेंट के मटेरियल बनाएंगे एंड पेंट के मटेरियल्स वन बाय वन हम सारे मटेरियल्स को क्रिएट कर लेंगे. तो नीचे आप देख सकते हो ऑप्शन क्रिएट न्यू मटेरियल का ऑप्शन मिल जाएगा. देन यहाँ से आप आइए आइडेंटिटी पे नेम पे आएंगे. नेम पे आप यहाँ पे सिंपली दे दीजिए 1 डॉट या 0 1 डॉट वॉल या वाइट पेंट समथिंग लाइक दिस. ग्राफिक्स में यूज रेंडर अपियरेंस अपियरेंस में यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे इस एसेट को या फिर हम यहाँ पे इसको बाय डिफॉल्ट जो इमेजेस हम यहाँ पे ऑनलाइन हमने डाउनलोड किए हैं उनको यूज कर सकते हैं. सो इमेज पे क्लिक करते हैं टेक्सचर्स पे आते हैं. ये हमारे खुद के टेक्सचर्स हैं जो कि हमने ऑनलाइन डाउनलोड किए हैं. आप भी सेम इसी तरह से डाउनलोड करके सेव कर सकते हो. तो यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा क्रीमिश टाइप का टेक्सचर है. सो आप जो भी एग्जैक्टली यहाँ से लेना चाहते हो आप ले सकते हो. वैसे तो मैंने व्हाइट पेंट दिया था बट मैं इसको थोड़ा सा क्रीमिश रखना चाह रहा हूँ. सो चलिए देखते हैं सिंपली हिट ओके. तो ये आपके पास यहाँ पे इमेज आ गई इस तरह से. देन इसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्टेंस अराउंड हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि आपका पेंट इतना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव नहीं होता है. देन यहाँ पे बम्प मैप भी हम सेलेक्ट कर लेंगे समथिंग लाइक दिस. ओके सो बम का जो स्केल है ये हम इंक्रीज कर दे रहे हैं 5 फिट बाय 5 फिट. डन एंड सिंपली यहां से हम ओके. अब वॉल में मटेरियल एक साथ अप्लाई करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे जो भी वॉल की कैटेगरी है उस कैटेगरी वॉल को आप सेलेक्ट करोगे. सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपल जाना है आपको एडिट टाइप पे. तो सिंपली आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया. सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप सिंपली आ जाइए एडिट टाइप पे समथिंग लाइक दिस. एंड देन इसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर पे आके एडिट एंड यहाँ से बाय कैटेगरी में जो मटेरियल हमने लगाया था वो मटेरियल हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे. सेलेक्ट करने के बाद हिट ओके एंड अगेन इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जिसके आगे मुझे फिर से मुझे यहाँ पे इसको अप्लाई ना करना पड़े. ठीक है तो सिंपली यहाँ से ओके ओके एंड 9 इंचेस की जहाँ जहाँ वॉल है सब देखो इस तरह से व्हाइट
क्रीमिश मटेरियल में आ जाएंगी। देन सेलेक्ट योर 6 inches वॉल, गो टू एडिट टाइप, स्ट्रक्चर पैक एडिट, एंड यहाँ पे मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। हिट ओके एंड ओके अगेन। तो देखो सब जगह यहाँ पे इस तरह से वो मटेरियल आपका अप्लाई हो जाएगा। देन सिमिलरली फ्लोर को भी मैं सेलेक्ट करके एडिट टाइप, स्ट्रक्चर पे आके एडिट, एंड मटेरियल में यही सेम वाइट पेंट। मैं कंट्रोल वी करके पेस्ट भी कर सकता था बट वो 3 डॉट पे क्लिक हो गया, सो चलो मैंने कहा वैसे ही दे देते हैं। ठीक है, तो सारी वाइल भी यहाँ पे सर से वाइट में आ जाएंगे। तभी आपको अगर तो वाइट नहीं करना है, सो मैं अभी उसको बाद में अभी यहाँ पे चेंज करके आपको बताता हूँ कैसे चेंज करना है। ठीक है, ये चीज़ मुझे वैसे अच्छी नहीं लग रही, सो एडिट इन प्लेस, एडिट स्वीप, पिक पाथ इज ओके, सेलेक्ट प्रोफाइल पे आके एडिट प्रोफाइल, सेलेक्ट दिस, डिलीट TR फॉर ट्रिम एक्सटेंड, डिलीट द एक्स्ट्रा पार्ट, ऑफसेट 2 inches, और यहाँ से इसको कॉपी पेन टिक करके समथिंग लाइक दिस, क्लिक ऑन फिनिश एंड फिनिश। ठीक है, एंड फिनिश मॉडल। देन नेक्स्ट, इसके बाद ये वाला जो फ्रंट का पार्ट है, मैंने कहा इसमें मैं एक कंप्लीट वॉल मतलब स्टोन टाइप का मैं यहाँ पे फिनिश देना चाह रहा हूँ। सो इसको करने के लिए कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। एंड इससे पहले यहाँ पे ये जो पार्ट है मैंने, क्योंकि यहाँ पे केस वर्क से बनाया था, कैसे किया था अगर आपने नहीं देखा तो उसकी लास्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा। सो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से अलाइन कर ले रहा हूँ उसके फेस पे। ठीक है, देन मटेरियल्स के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे वेबसाइट दैट इज CC0 टेक्सचर्स। ठीक है, सो यहाँ पे ambientcg.com से आपको वेबसाइट मिल जाएगी। सो यहाँ पे कैटेगरीज पे आते हैं। ठीक है, एंड यहां से इस तरह से ब्रिक्स, सो ब्रिक टाइलिंग आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो जो भी आप स्पेसिफिक टेक्सचर उठाना चाहते हो आप उठा सकते हो। सो यहां से या तो ब्रिक, लेट मी ओपन दिस इन न्यू टैब, एंड पेविंग टोन, टाइल्स, फैब्रिक, वुडन फ्लोर, ग्राउंड कॉन्क्रीट, मार्बल, प्लैंक्स, रॉक्स, प्लैंक्स को भी मैं ओपन करूंगा, एस्फाल्ट, फसाड, पेंटेड प्लास्टर, कार्पेट, रूफिंग। ठीक है, यहाँ पे सारे आपको मटेरियल्स इस तरह से मिल जाएंगे। ठीक है, सो ये सब मैंने ऑलरेडी पहले से डाउनलोड करके रखे हुए, बस मैंने यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि कौन से मटेरियल को मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ। सो अभी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टाइल्स के लिए, सो ये ब्लैक, सो ये वाली जो टाइल है, ठीक है, इसको यहाँ पे जरा हम ओपन करते हैं। सो ये टाइल्स है आपका 28, टाइल नंबर 28। इसमें आप जितनी हाई क्वालिटी टेक्सचर डाउनलोड करोगे उतना अच्छा आपका यहाँ पे इफेक्ट आता है। ठीक है, सो ये ऑलरेडी हमारे पास मटेरियल्स हैं, बस मैं यहाँ पे इसका नेम देख रहा था टाइल 028, और आपको ये बता रहा था किस तरह से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जब इसको आप डाउनलोड कर लोगे, सो डाउनलोडिंग के बाद आपके पास यहाँ पे 3 to 4 मटेरियल्स आएंगे। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। सो लेट अस ओपन रेविट। अब पहले इन मटेरियल्स को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, ये PBR मटेरियल्स हैं, तो PBR मटेरियल्स को यूज़ करने का तरीका है, सिंपली गो टू मैनेज मटेरियल्स, एंड यहाँ से क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी 02 वॉल फ्रंट टाइल, मैंने इसको नेम दे दिया। ग्राफिक्स में यूज़ रेंडर अपीयरेंस, अपीयरेंस पे आते हैं, एंड देन यहाँ से रिप्लेस दिस एसेट, एंड ये जो फीचर है ये सिर्फ 2019 एंड हायर वर्जन में अवेलेबल है। ठीक है, सो अगर आप लोअर वर्जन यूज कर रहे हो सो वो काम नहीं करेगा, जो मैं अभी स्पेसिफिकली करने वाला हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैं वुड पे आता हूँ, एंड यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे ऐसे बेड्स, ग्लॉसी बेड्स, ये सब मटेरियल्स हैं, तो यहाँ पे ऐसे कोई भी एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं बना, यानी कि ये हाई क्वालिटी मटेरियल्स हैं, यानी कि हाई क्वालिटी PBR मटेरियल्स हैं। बाकी जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क बना हुआ है ये रेविट 2018 एंड उससे लोअर वर्जन में आपको मटेरियल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो लेट अस गो फॉर दिस बिट्स ग्लॉसी, एंड यहाँ पे आप देखोगे आपको कलर मैप, ग्लॉसी मैप एंड बम्प मैप यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये तीनों जो मैप्स हैं ये अगर आप वहां से डाउनलोड करेंगे तो आपको सारे मिल जाएंगे। तो सिंपली हम इस वुड जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, गोता हूँ अपने टेक्सचर, हाई क्वालिटी टेक्सचर्स, तो आप भी सेम इसी तरह से सेव करके रख सकते हो अपनी जगह पे कहीं भी। एंड यहाँ पे जो हमने अभी सिंपली डाउनलोड किया है दैट इज 028, हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। ठीक, सो 028, लेट अस ओपन रेविट, एंड 026, 27 एंड 28। ठीक है, ये मटेरियल है आपका, सो सेलेक्ट दिस एंड हिट ओपन। आई थिंक, लेट मी चेक टाइल
ठीक है, यहाँ पे जो स्केलिंग इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, सो अनलिंक दिस, अभी मैं इसको 6 फिट बाय 6 फिट करता हूँ, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली लेट्स से कि अगर यहाँ पे ये एक टाइल यहाँ पे 1 फिट की है, तो 1, 2, 3 एंड 4, सो 4 फिट बाय 4 फिट स्केल विल बी ओके, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। क्लिक ऑन डन, देन सेम इस तरह से रफनेस मैप पे आएंगे एंड सेम टेक्सचर, हाई क्वालिटी टेक्सचर टाइल, एंड यहां से 0 to 7, 0 to 8 का यहाँ पे रफनेस मैप, एंड रफनेस मैप की इमेज पे क्लिक करेंगे, एंड यहां से सैम्पल स्केल विल बी 4 फिट बाय 4 फिट एंड डन। देन सेम इस तरह से रिलीफ बम्प टेक्सचर, हाई क्वालिटी टेक्सचर टाइल्स एंड 0 to 8 डिस्प्लेसमेंट मैप, ठीक है। एंड यहां से इसको अनलिंक दिस 4 फिट बाय 4 फिट, एंड मुझे यहाँ पे 0.25 इंच का बम्प देना है इसमें। क्लिक ऑन डन, इमेज का जो मैप है वो अभी हम आगे देखते हैं, चलो हिट ओके। इस पार्ट को सेलेक्ट करके एडिट इन प्लेस पे जाएंगे, सेलेक्ट दिस अगेन, एंड यहां से जो मटेरियल है इसको यहाँ पे मैं वॉल फ्रंट टाइल इस तरह से दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो मटेरियल है इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ये भी प्लान कर रहा था कि यहाँ पे मैं लाइट्स, स्ट्रिप लाइट इस तरह से यहाँ पे अप्लाई करूंगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो इसके बाद मैं एक लाइटिंग का अलग से एक पार्ट बनाऊंगा, उसमें इसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट, यहाँ से भी मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे अभी मैं वुडन प्लैंक्स टाइप का यहाँ पे मटेरियल बनाता हूँ। सो लेट अस ओपन अवर वेबसाइट अगेन, एंड यहाँ पे वुडन प्लैंक्स हैं आपके पास, एंड ठीक है, यहाँ पे आज सच हमें कोई नहीं समझ में आ रहा है। टाइल्स में 0 to 8 हो गया है, ठीक है, गो बैक। वुडन का वैसे भी सेम इसी तरह से हमारे पास ऑलरेडी मटेरियल्स हैं काफी, वैसे यहां से अगर हम आते हैं एंड लेट अस गो टू लेट्स से वुड 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 वुड, एंड यहां पे आप देखोगे अलग अलग आपको वुड पैटर्न्स मिल जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से कुछ। सो लेट अस गो फॉर लेट्स से दिस वन, एंड यहाँ पे ये है आपका वुड 44, ठीक है। सो लेट अस ओपन रेविट, गो टू मैनेज मटेरियल्स, जो मटेरियल अभी हमने पीबीआर वाला बनाया है इसी को मैं राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर दूंगा। आइडेंटिटी पे आके 03 वुड मैं मटेरियल दे देता हूँ। ग्राफिक्स में यूज रेंडर अपीयरेंस, अपीयरेंस पे आके मेक श्योर डैट कि आप यहाँ से इसको डुप्लीकेट जरूर कर दें। डुप्लीकेट अगर नहीं करोगे तो जिससे आपने यहाँ पे डुप्लीकेट किया है वो भी मटेरियल आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। इमेज पे आते हैं एंड टेक्सचर, हाई क्वालिटी टेक्सचर, वुड पैनल, यहाँ पे वही सेम पैनल जो हम भी अपने देखे थे। सो ये वुड 44 है, सो अगर मैं नीचे की तरफ आता हूँ, सो 26, 29 एंड 26, 24 हमने डाउनलोड नहीं किया है, यस है लेकिन ठीक, 25, 26, 24, ठीक है। सो यहाँ पे आपको 24 का ये कलर मैप है, डिस्प्लेसमेंट मैप है, सो कलर मैप मुझे वैसे इतना सही नहीं लग रहा है। 26 पे आते हैं, चलिए, सो गो टू 26 एंड हिट ओके। अगेन इसका रफनेस मैप ले लीजिए 26 का, सो 26 26 का रफनेस मैप, एंड डिस्प्लेसमेंट मैप में अगर आप ये सिंपली लोगे तो आपको कैसा दिखेगा, अभी चलो मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे सिंपली कैसे कैसे थोड़ा सा यूज करना है ये मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। सो वुड पैनल अगेन एंड वुड 26 का डिस्प्लेसमेंट मैप, ठीक है, एंड हिट ओके। एंड देन ये जो हमने यहाँ पे केस वर्क क्रिएट किया है इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, गो टू एडिट इन प्लेस, सेलेक्ट दिस अगेन, गो टू मटेरियल, एंड यहां से इस वुड को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमें मटेरियल सही नहीं लगेगा तो अभी आगे फ्यूचर में इसको हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये देखो कुछ इस तरह से आ जाएगा, सेलेक्ट, क्लिक ऑन फिनिश एंड देन सेलेक्ट दिस, एडिट इन प्लेस, एंड यहां से अगेन इस मॉडल इन प्लेस को मैं सेलेक्ट करके
इस पे भी सेम यही वुडन मटेरियल यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सेम मटेरियल यहाँ पे कंप्लीटली सर से अप्लाई हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इस पर भी, और यहाँ पे देखो ये इस तरह से रह गया क्योंकि ये फ्लोरिंग का पार्ट था, सो इसको यहाँ पे मैं मटेरियल अप्लाई कर दे रहा हूँ। सिमिलरली आई वॉज थिंकिंग कि यहाँ पे इसको मैं कंप्लीट ग्रेनाइट का मटेरियल दूँ, ठीक है, ग्रेनाइट में फिर शाइनी मटेरियल देता हूँ एंड चलो ग्रेनाइट मटेरियल बनाते हैं। सो मैनेज मटेरियल एंड क्रिएट न्यू मटेरियल आइडेंटिटी 04 ग्रेनाइट यूज रेंडर अपीयरेंस रिप्लेस दिस एसेट अपीयरेंस लाइब्रेरी स्टोन एंड पॉलिस्ड ब्लैक, इससे मैं रिप्लेस करता हूँ। इनका जो इमेज है वो इतना सही नहीं आता है, सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अगेन टेक्सचर पे आता हूँ एंड अपनी टाइल्स पे आता हूँ एंड यहाँ पे जो हमारे पास टाइलिंग का मटेरियल है दैट इज ग्रे टाइल स्टोन ग्रेनाइट दिस वन, हिट ओपन और इसको सेलेक्ट करके मैं स्केल कर दूंगा अप्रोक्सीमेटली 4 फिट बाय 4 फिट, डन एंड फिनिश। यहाँ पे आपका पॉलिश्ड पॉलिश्ड या ग्लॉसी रखते हैं, चलो हिट ओके एंड सिंपली मटेरियल बनने के बाद सेलेक्ट दिस एडिट इन प्लेस सेलेक्ट दिस अगेन मटेरियल ग्रेनाइट एंड सिंपली यहां पे हम जैसे फिनिश पे क्लिक करेंगे ये आपका मटेरियल यहां पे देखो इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट सेलेक्ट दिस एडिट इन प्लेस, ये जो बॉर्डर है ये हम वाइट से ही करते हैं, सेलेक्ट दिस अगेन और यहां से वाइट पेंट हिट ओके एंड यहां से फिनिश मॉडल। ठीक है, अब ये जो मटेरियल्स आप सिंपली यूज करोगे तो जितना ज्यादा हाई क्वालिटी मटेरियल रहेगा सिस्टम थोड़ा सा लैग होने के चांसेस है, सो रियलिस्टिक से हटा के अगर आप कंसिस्टेंट कलर पे काम करोगे सो इट विल वर्क स्मूथली। ओके, सो मटेरियल्स यहाँ पे आपको उसका जो कलर मैप है वो नहीं दिखेगा, बस सिंपली किस कलर से आपने मटेरियल दिया है वो आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देन सिंपली हम यहाँ पे इस स्लैब को सेलेक्ट करते हैं, एडिट इन प्लेस सेलेक्ट दिस एंड बाय कैटेगरी मटेरियल इसको मैं कंप्लीट वही सेम ग्रेनाइट मटेरियल ही दूंगा एंड सेलेक्ट दिस ऑल्सो एंड गिव दिस ग्रेनाइट PT फॉर पेंट वॉल वाइट पेंट एंड यहाँ यहाँ पे वाइट पेंट इस तरीके से सेलेक्ट दिस एंड वाइट एंड यहाँ पे मैं अलग से फ्लोरिंग का मटेरियल दूंगा या फिर मैं ग्रेनाइट ही देता हूँ अभी। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं इसको भी सेलेक्ट करता हूँ समथिंग लाइक दिस बाय कैटेगरी मटेरियल एंड ग्रेनाइट PT फॉर पेंट वाइट पेंट एंड इस तरीके से वन बाय वन आप यहाँ पे मटेरियल चेंज कर दो। ठीक है, एंड राइट क्लिक ऑन फिनिश मॉडल एंड यहां से SF फॉर स्प्लिट फेस, इस फ्लोरिंग वाले फेस को मैं स्प्लिट कर रहा हूं एंड PT फॉर पेंट ग्रेनाइट एंड गिव दिस ग्रेनाइट मटेरियल। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अभी सब चीज़ें मुझे सही लग रही है बट मुझे जो चीज़ें इसमें से अभी नहीं सही लग रही है अभी रेलिंग मुझे इतनी कोई खास समझ नहीं आ रही है। ठीक है, देखता हूँ अगर अभी आगे मुझे चेंज करना होगा तो मैं इसको चेंज कर दूँगा। ठीक है, सेलेक्ट दिस पार्ट एडिट इन प्लेस एंड जो हमारे पास यहाँ पे जो वुडन मटेरियल हमने यूज़ किया है वही सेम वुडन मटेरियल हम यहाँ भी दे देते हैं एंड क्लिक ऑन फिनिश मॉडल सेलेक्ट दिस एडिट इन प्लेस सेलेक्ट दिस रेल एंड यहाँ पे हम आयरन मटेरियल यूज करेंगे सो आयरन डक्टाइल, यहाँ से आयरन का जो कलर है ये थोड़ा सा मैं नीचे मेटालिक रिफ्लेक्टिविटी को थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर दूंगा अप्रोक्सीमेटली 75 एंड हिट ओके। ठीक है, क्लिक ऑन फिनिश सिमिलरली सेलेक्ट दिस मॉडल एडिट इन प्लेस दोनों को मैं सेलेक्ट करके यहाँ से मटेरियल एंड द मटेरियल विल बी आयरन डक्टाइल क्लिक ऑन फिनिश। ठीक है,
ये सब जो रेल्स हैं इनको भी मैं सेलेक्ट करके एडिट इन प्लेस रेल स्ट्रक्चर एंड यहाँ से सेम वही आयरन डक्टाइल मटेरियल मैं इसको यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट। ओके बेलस्टर आपका बेलस्टर स्टील फ्लैट राइट अपराइट है और बेलस्टर स्क्वायर 3 इंचेस। बाकी यहाँ पे ओके एंड ओके ठीक है। सो बेलस्टर्स पे भी अप्लाई नहीं हुआ है सो इसके लिए आपको फैमिलीज पे आना होगा रेलिंग पे आना होगा बेलस्टर फ्लैट अपराइट इस पे मटेरियल दीजिए एंड सेम इसके बाद यहाँ पे बेलस्टर स्क्वायर 3x4 इंचेस एंड कंप्लीट इस तरीके से ठीक है। ये वाले सभी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जो बॉर्डर से यहाँ से मटेरियल्स एंड लेट अस गिव दिस वॉल फ्रंट टाइल मटेरियल क्लिक ऑन फिनिश मॉडल एंड डन ठीक है। नाउ ये जो पार्ट बचा है इसको मैं सेलेक्ट करके एडिट इन प्लेस जो बॉर्डर है इसको मैं यहाँ पे आयरन का मटेरियल देता हूँ एंड जो इनर स्ट्रिप्स हैं ठीक है लीविंग दिस वन इनको मैं यहाँ पे लेट अस गिव दिस वॉल पेंट वाइट एंड हिट ओके ठीक है क्लिक ऑन फिनिश मॉडल दैट्स इट। देन इसके बाद ग्रास फुटपाथ एंड रोड मटेरियल सो यहाँ पे आते हैं हम मैनेज पे अगेन मटेरियल पे अगेन देन क्रिएट न्यू मटेरियल आइडेंटिटी 05 फुटपाथ यूज रेंडर अपीयरेंस अपीयरेंस में यहाँ पे जो रेविट की इनबिल्ट लाइब्रेरी है उसको ही हम यहाँ पे यूज करते हैं तो इसके लिए सिंपली आ जाइए यहाँ पे साइट वर्क पे एंड सिंपली गो टू स्टोन एंड क्लिक क्लोज एंड यहाँ पे मैं रोड का मटेरियल भी चाहिए सो आइडेंटिटी 06 रोड ग्राफिक्स यूज अंडर अपीयरेंस यहाँ से भी साइट वर्क में हम ले लेते हैं एस्फेट एग्रीगेट हाई और लेट अस गो फॉर दिस वन और डार्क ग्रे दिस वन इज ओके इट ओके पीटी फॉर पेंट रोड एंड फुटपाथ ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपने फुटपाथ वगैरह के मटेरियल यहाँ पे डिसाइड कर दिए हैं एंड देन इसके बाद गो टू मटेरियल अगेन देन यहाँ से क्रिएट न्यू मटेरियल आइडेंटिटी 07 ग्रास ग्राफिक्स में यूजर रेंडर अपीयरेंस रिप्लेस दिस एसेट विद योर साइट वर्क अगेन एंड ग्रास हाई क्वालिटी एंड ओके पीटी फॉर पेंट ग्रास एंड ग्रास मटेरियल यहाँ पे ठीक है। ये जो वुडन हमने डोर लगाए हैं यहाँ पे जो इसका मटेरियल है ये मिसिंग है सो वुड चेरी ग्रीन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सो इसको मैं यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा विद अवर इनबिल्ट मटेरियल दैट इज वुड एंड यहाँ से मैं ले लेता हूँ लेट अस गो फॉर लेट से दिस महागोनी ग्लॉसी एंड हिट ओके एंड वर्टिकल वाले में भी सेम महागोनी ग्लॉसी। अभी इसका मैं स्केल यहाँ पे चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस। सो मटेरियल यहाँ पे मैंने इस तरह से इसका जो मटेरियल था वो मिसिंग था तो मैंने यहाँ पे जो इनबिल्ट लाइब्रेरी है उससे ही यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है ओके। देन इसके बाद सिंपली जो हमारे पास यहाँ पे विंडो का मटेरियल है उसको भी यहाँ पे हम चेंज करेंगे सो जस्ट अ मिनट एंड हिट ओके राइट। सो अगर अभी हम यहाँ से रियलिस्टिक व्यू लगाते हैं सो आप यहाँ पे मटेरियल देख सकते हो कि सिंपली जो मटेरियल है वो यहाँ पे चेंज होकर जो हमने अभी अप्लाई किया है वो इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो विंडो का मटेरियल है ठीक है सो हाइट विड्थ एंड यहाँ पे आपको फ्रेम शटर वुड एंड वुड का जो मटेरियल है इसको मैं अगेन सेम रिप्लेस कर दे रहा हूँ विद अवर दिस महागोनी ग्लॉसी एंड हिट ओके राइट। तो सब जगह का जो विंडो का मटेरियल है सब एक साथ यहाँ पे चेंज हो जाएगा राइट समथिंग लाइक दिस।
नेक्स्ट जो ग्लास है इसको हमें थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव बनाना है. सो ग्लास को रिफ्लेक्टिव करने के लिए सिंपली गो टू मटेरियल्स. यहाँ पे हम आते हैं ग्लास 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 ग्लास. देन यहाँ से कलर की जगह मैं इसको ब्लू सेट करता हूँ. रिफ्लेक्टेंस मैं यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 90. ठीक है एंड हिट ओके. एंड जो आपका ग्लास का मटेरियल है वो यहाँ पे कलर उसका ब्लू एंड रिफ्लेक्टेंस यहाँ पे हमारा इंक्रीज हो जाएगा. तो अभी यहाँ पे आपको ये ब्लैक कलर से शो होगा बट जब आप इसको रेंडर करोगे तो प्रॉपर व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा. ठीक है सो अभी नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इतना पार्ट हो गया है हमारा. मैं सोच रहा था कि यहाँ पे जो ये वॉल्स हैं इसमें यहाँ पे मैं ग्रूव्स क्रिएट कर दूँ. ठीक है सो ग्रूव 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 अभी रहने देते हैं, बाकी अभी आगे देखते हैं करना है कि नहीं. सो इतना पहले हम एंडस्केप पे एक बार टेस्ट रेंडर करके देखते हैं. सो गो टू सिंपली एंडस्केप एंड यहाँ पे हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमारा स्टार्ट जो मॉडल है वो स्टार्ट हो जाएगा. एंडस्केप के बारे में अगर आप डिटेल्ड में सारी चीज़ें जानना चाहते हो कि डे रेंडरिंग्स नाइट रेंडरिंग्स और वॉक थ्रूज एक्सटीरियर वॉक थ्रू इंटीरियर वॉक थ्रू वगैरह सब कैसे कैसे क्रिएट करना है, सो उसके लिए मैंने कंप्लीट रेविट का कोर्स क्रिएट किया है जिसमें बेसिक से लेके एडवांस तक की मैंने सारी चीज़ें बनाई हैं. सो उसका कोर्स का बाइंग लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो अगर आप उसको परचेज करना चाहते हो सो परचेज कर सकते हो. बाकी कोई डाउट रहेगा सो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे गिवन है, आप वहां से भी मेरे से कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो. ओके सो लेट अस वेट जब तक हमारा एंडस्केप स्टार्ट हो रहा है. ओके सो लेट अस जूम दिस हियर एंड मैं सिंपली यहाँ पे राइट बटन प्रेस करके अपना कैमरा व्यू समथिंग मैं फ्रंट में इस तरह से सेट करता हूँ. ठीक है समथिंग लाइक दिस. विजुअल सेटिंग्स पे आके थोड़ा सा फोकल लेंथ जो फील्ड ऑफ व्यू इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ एंड क्लोज दिस. देन विजुअल स्टाइल्स पे आते हैं अगेन एंड स्काई जो है इसको मैं यहाँ पे सिंपली अभी लेट अस सेट दिस टू वाइट क्यूब्स. बाकी जब फाइनल रेंडर करेंगे तब यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे सारी चीज़ें. एंड तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ग्लास वगैरह का मटेरियल है प्रॉपरली रिफ्लेक्टिव इस तरह से आ रहा है. ठीक है एंड यहाँ पे आई एंड यू से यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर सन. सो मैं शिफ्ट दबा के आई एंड यू प्रेस करता हूँ. सो समथिंग लाइक दिस शॉट. ओके सो अभी ये जो यहाँ पे देख सकते हो जो टाइल वगैरह का टेक्सचर इतना प्रॉपरली नहीं आ रहा है. ठीक है सो या तो आप यहाँ पे इमेज पे आके इसका जो एक्सपोजर वैल्यू है ये थोड़ा सा रिड्यूस करो. बहुत ज़्यादा कम होने पे देखो दिख रहा है क्योंकि मटेरियल इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है. ठीक है तो हम मटेरियल को यहाँ पे चेंज करके देखते हैं. सो लेट अस सेट दिस टू एक्सपोजर समथिंग लाइक दिस ओनली थोड़ा सा और ब्राइट. नाउ लेट अस चेंज द मटेरियल एंड मटेरियल चेंज करने से पहले एक रफ स्क्रीनशॉट ले लेते हैं यानी कि रेंडर क्रिएट कर लेते हैं. सो इन डेस्कटॉप ओपन रेविट शॉप एलिवेशन एंड यहाँ पे टेस्ट रेंडर 01. ठीक है सो विद इन सेकेंड्स आपका यहाँ पे जो रेंडर है ये कंप्लीट हो जाएगा. सो इट इज स्टार्टिंग. सो एक्सपोजर की वैल्यू भी हम थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा डलनेस मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है. प्लस जो ये आपका मटेरियल है इतना परफेक्टली सही नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा लाइट हो रहा है. सो इसको यहाँ पे हम चेंज करके देखते हैं अभी. ओके एंड इसके बाद वाले ट्यूटोरियल में हम यहाँ पे लाइटिंग्स वगैरह भी क्रिएट करके देखते हैं. सो लेट अस चेक आउट द टेस्ट रेंडर फर्स्ट ऑफ ऑल. सो लेट अस ओपन द फोल्डर अगेन एंड डेस्कटॉप. डेस्कटॉप पे आने के बाद रेविट प्रोजेक्ट एंड टेस्ट रेंडर 01. ठीक है सो डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे जूम कर सकता हूँ. सो आप देख सकते हो जो टेक्सचर आ रहा है वो कुछ इस तरह से, तो बहुत ज़्यादा लाइट है. ठीक है सो ये इस तरह से आ जाएगा. देखो टनाइट वगैरह का मटेरियल तो ठीक है. ओके सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सिंपली आते हैं रेविट पे अगेन. ठीक है गो टू मैनेज मटेरियल्स
एंड जो हमने यहाँ पे वॉल फ्रंट टाइल का लिया था टेक्सचर, इसको मैं चेंज करता हूँ। सो लेट अस सर्च फॉर अ मटेरियल। सो इसके लिए हम अपना सेम वही जो हमने हमारे पास ब्राउजर है इस पे आते हैं, एंड ब्रिक टाइप का हम यहाँ पे ले सकते हैं। सो ब्रिक में भी देखते हैं, आई थिंक लेट अस गो फॉर दिस ब्राउन मटेरियल, ब्राउनिश ब्रिक, ब्रिक 57। सो लेट अस ट्राई। सो बैक ब्रिक एंड ब्रिक 57, मैंने 33 तक डाउनलोड किया है, ठीक है। सो नॉट अ इशू, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इसको जल्दी से। सो सिंपली यहाँ पे 4K जैसे क्लिक करेंगे हमारी डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। सो लेट मी पॉज दिस एंड कॉपी लिंक एड्रेस, क्योंकि यहाँ से ये बाबा फेल होता है। एंड जो मैं डाउनलोडर यूज़ करता हूँ दैट इज़ फ्री डाउनलोड मैनेजर, जिससे स्पीड भी आपको ज़्यादा मिलती है एंड जो कनेक्शन बार बार फेल होता है कभी कभी, ठीक है, तो यहाँ पे वो फेल नहीं होगा। प्लस यहाँ पे अगर मैं रिज्यूम करता हूँ, अगर फेल होता तो रीस्टार्ट हो जाता है, प्लस यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सो ऐड पे क्लिक करके ओके एंड डाउनलोड दिस, एंड यहाँ पे आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो लेट अस वेट जब तक ये डाउनलोड हो रहा है। ओके सो मटेरियल हमारा डाउनलोड हो गया, लेट अस ओपन द फोल्डर जहाँ पे डाउनलोड हुआ है, एंड इसको मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स, गो टू डेस्कटॉप, रेवेट शॉप एलिवेशन, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट। सो अगर आपको यहाँ ये भी पता चल जाएगा कि मैं किस तरह से इसको कंप्लीटली यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका टेक्सचर आ गया, इसको आप अगर आप डिलीट करना चाहो यू कैन डिलीट दिस नाउ। एंड लेट अस ओपन अवर रेवेट अगेन, एंड यहाँ से लेट अस रिप्लेस द मटेरियल, मटेरियल हमारा डेस्कटॉप पे, रेवेट प्रोजेक्ट क्लास, नो नो नो, रेवेट शॉप एलिवेशन, ब्रेक, एंड दिस इज अवर कलर मैप, एंड रफनेस मैप के लिए अगेन मुझे सेम वही लोकेशन, रेवेट शॉप एलिवेशन, ब्रेक, रफनेस मैप ये रहा हमारा, एंड रिलीफ पंप मैप, रेवेट शॉप एलिवेशन, ब्रेक, एंड गो टू डिस्प्लेसमेंट एंड हिट ओके। सो जैसे आप ओके करोगे यहाँ पे आपका मटेरियल चेंज हो जाएगा, एंड साथ ही में एंडस्केप भी हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड में रनिंग है। सो वहाँ भी आपका ये जो मटेरियल है ये देख सकते हो कि चेंज हो गया। तो जो यहाँ पे पेंट का मटेरियल में जो क्रीमिश लिया था इतना सही नहीं आ रहा है, सो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। सो सिंपली गो टू मैनेज मटेरियल, एंड जो हमारा वाइट पेंट है इसको मैं यहाँ पे जो रेविट की इनबिल्ट लाइब्रेरी है उसी से चेंज कर देता हूँ। सो अपेयरेंस लाइब्रेरी पे आते हैं अगेन, एंड सिंपली गो टू पेंट, एंड यहाँ से आप पेंट यूज़ कर सकते हो, या फिर आप सिंपली वॉल पेंट पे आओ, एंड वॉल पेंट में यहाँ पे मैं ग्लॉसी फिनिश में कूल वाइट रिप्लेस कर दिया है, एंड सिंपली हिट ओके। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो जो मटेरियल है आपका इस तरह से वाइट मटेरियल में आ जाएगा, ठीक है। अभी फ्लोरिंग का टेक्सचर हमने यहाँ पे नहीं दिया है, सो फ्लोरिंग का टेक्सचर देना है, प्लस यहाँ पे जो ये आपका शटर का होर्डिंग है इसका भी मटेरियल अभी यहाँ पे देना है, ठीक है। सो ये भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, प्लस यहाँ पे शॉप का मेन हमें डिज़ाइन करना है, तो शॉप हम अलग से एक क्लास रखेंगे जिसमें कंप्लीट शॉप का इंटीरियर विद सीलिंग वगैरह सब डिज़ाइन करेंगे, जिससे कि अभी जो इंटीरियर यहाँ पे कंप्लीट प्लेन दिख रहा है वो प्लेन हमें यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है। सो ये पार्ट तो ठीक है, ये पार्ट भी ठीक है, बट ये रेलिंग इतना कुछ खास नहीं मुझे अच्छी लग रही है। और यहाँ पे जो हमने कॉलम दिया है, सो कॉलम में मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली सेलेक्ट दिस कॉलम एंड कॉपी पेस्ट दिस टू अलाइनमेंट नंबर 4, एंड यहाँ से लेवल 4 से मैं इसको लेवल 5 तक रखूँगा, दैट्स इट। सो लेट मी सेट दिस टू अप्लाई, ठीक है। मैं कॉलम का साइज जो है इसको मैं इंक्रीज कर रहा हूँ अ लिटिल बिट, अप्रॉक्सीमेटली 10 इंचेस बाय 10 इंचेस, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अभी इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको और इसको, एडिट टाइप पे आके इसका जो मटेरियल है ये हम यहाँ पे ग्रेनाइट मटेरियल सेट करता है, ठीक है।
अब ये जो लेवल 5 तक है, लेट मी चेक द 3D व्यू। सो अभी हाइट कुछ ज़्यादा लग रही है, सो हाइट ज़्यादा लग रही है, सो वी कैन सेलेक्ट दिस कॉलम -2 फिट। सो -2 -2, आई थिंक दिस इज लुकिंग मच बेटर। बाकी यहाँ से मैं 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव व्यू ऑन कर लेता हूँ एंड समथिंग लाइक दिस। ठीक है, विजुअल सेटिंग्स पे आके एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ। सैचुरेशन एंड एवरीथिंग इज ओके। एंड ये जो व्यू है इसको यहाँ पे मैं सेव कर ले रहा हूँ। सो यहाँ से सिंपली स्क्रीनशॉट नहीं, हम आते हैं क्रिएट व्यू एंड एंडस्केप फ्रंट व्यू, क्लिक ऑन क्रिएट एंड यहाँ पे आपका ये फ्रंट व्यू क्रिएट हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, अभी जो हमने ये बनाया है इसको मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा। सो डिलीट करने, क्योंकि यहाँ पे सेव फ्रेम के बाहर जा रहा है ये, सो इसको डिलीट करने के लिए आपको 3D व्यू पे आना पड़ेगा एंड यहाँ पे जो ये व्यू क्रिएटेड है इसको यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है, नाउ ओपन एंड स्केप अगेन एंड यहाँ से मैं ऊपर की तरफ समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा येलोविश हो रहा है, सो वी कैन ऑल्सो रीसेट टू डिफॉल्ट। ठीक है, अब एक बार मैं सेटिंग्स फिर से इसकी सारी सेट करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फील्ड ऑफ व्यू को अभी मैं क्या कर रहा हूँ, लेट अस क्लोज दिस एंड इसको मैं साइड में इधर सेट करता हूँ। एंड ये विजुअल सेटिंग्स इस तरफ, इसको थोड़ा सा इधर ना। सिंपली रेंडरिंग क्वालिटी को यहाँ पे हम अल्ट्रा रखेंगे, सो रियल टाइम रेंडरिंग जो रहेगी वो हमारी यहाँ पे दिखाएगा। आउटलाइंस को थोड़ा सा मैं शार्प रखना चाहता हूँ, फील्ड ऑफ व्यू को हम यहाँ पे कम करेंगे समथिंग लाइक दिस। एंड यहाँ से ऑर्थोग्राफिक व्यू की जगह हम 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव व्यू सेट करेंगे, राइट। देन इसके बाद नेक्स्ट एक्सपोजर, ऑटो एक्सपोजर को यहाँ पे ऑफ करते हैं एंड एक्सपोजर को यहाँ से थोड़ा सा रिड्यूस। ठीक है, इमेज पे आते हैं हाइलाइट्स। एंड हाइलाइट्स बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो लाइटर एरिया है ठीक है उनको डार्क करता है और लाइटर एरिया को और ब्राइट करता है एक तरीके से। ठीक है, शेडोज कितनी शार्प रहेंगी ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, सेचुरेशन, कलर टेम्परेचर एंड इफेक्ट्स वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, सो ऑटो कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पे हम ऑन कर सकते हैं। सैचुरेशन ओवर सैचुरेटेड, लेस सैचुरेटेड थी, थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, सो समथिंग लाइक दिस। कलर टेम्परेचर को इंक्रीज अ लिटिल बिट। एटमोसफियर पे आते हैं, फॉग की इंटेंसिटी वगैरह मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, सन की ब्राइटनेस में थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ। शेडो की शार्पनेस मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ। आर्टिफिशियल लाइट इज ओके। एम्बेंट लाइट को मैं ब्राइट बढ़ा दूंगा। स्काई पे आके मैं यहाँ पे स्काई बॉक्स यूज करूंगा एंड यहाँ पे जो हमने इमेजेस डाउनलोड की हैं SDRI इमेजेस, या तो चलो उसको मैं भी नेक्स्ट जो सेशन रहेगा फाइनल वाला उसमें यूज करूंगा, अभी मैं सिंपली इसको यहाँ पे व्हाइट क्यूब्स यूज करता हूँ। ठीक है, देन यहाँ से आई एंड यू से मैं जो सन का टाइम है डे का वो मैं चेंज कर रहा हूँ। सो अभी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वाइटिश हो रहा है, सो क्लाउड की डेंसिटी को मैं बढ़ा सकता हूँ समथिंग लाइक दिस। सो इतना ज़्यादा क्लाउडी नहीं, थोड़ा सा लेस क्लाउडी। ठीक है, देन साइरस अमाउंट विल बी लेस। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ पे आप इस तरह से सेट कर सकते हो। देन एक्सपोजर को थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज नहीं करना है मुझे, समथिंग अप्रोक्सीमेटली समथिंग लाइक दिस। ठीक है, बाकी इन्वायरमेंट वगैरह भी हम साथ में ऐड करेंगे तो और भी ज़्यादा बेटर आ जाएगा। आउटलाइंस को थोड़ा सा मैं रिड्यूस कर रहा हूँ। सैचुरेशन, दिस इज ओवर सैचुरेटेड समथिंग लाइक दिस। कलर टेम्परेचर, ठीक है, ये सब थोड़ा सा आपको ही देख के सेट करना है। सो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 विल बी ओके। ठीक है, बाकी इफेक्ट्स, मोशन ब्लर, ब्लूम वगैरह ये सब आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो, राइट। नाउ लेट अस टेस्ट आउट द
output, and यहाँ से इसको मैं अल्ट्रा एच डी, अगेन क्लोज, चेक मैक्सिमाइज व्यू, एंड यहाँ से मैं इसको सिंपली टेका स्क्रीन शॉट एंड सेम टेस्ट रेंडर 02, क्लिक ऑन सेव एंड यहाँ पे आपकी रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगी. सो टेस्ट रेंडर 1 हमने क्रिएट कर लिया, टेस्ट रेंडर नंबर 2 क्रिएट कर लिया. मटेरियल्स यहाँ पे हमने बता दिया कैसे कैसे आप ऐड करके किस किस तरीके से आप यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हो. ठीक है, सो अभी एक बार जरा हम इसको कंपेयर कर लेते हैं. एंड कंपेयर करने के बाद अभी देख सकते हो जो टाइलिंग हमने जिस तरह से यूज़ की ये ज़्यादा आपकी हाईलाइटेड है. बाकी नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे कंप्लीट लाइटिंग का पार्ट, कि एक्सटीरियर लाइटिंग हम किस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं. देन उसके बाद हम यहाँ पे शॉप का कंप्लीट यहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइन करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे हम फाइनल रेंडर जो है अपना वो क्रिएट करेंगे. सो टेस्ट रेंडर 1, दिस इज योर टेस्ट रेंडर नंबर 1 एंड इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे सो ये टेक्स्ट रेंडर आपका 2 है. ठीक है, सो दिस इज लुकिंग मच बेटर एज कम्पेयर टू दिस वन. ठीक है, बाकी अभी मॉडलिंग वगैरह का पार्ट रहेगा तो थोड़ी चीज़ें भी और ऐड करने का मेरा प्लान है, वो भी हम आगे देखते हैं जैसे जैसे हमें यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आएंगी और थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करेंगे तो वो हम यहाँ पे करते जाएंगे. बाकी यहाँ पे हम ये वाला जो मटेरियल है यहाँ पे हम ग्रेनाइट वगैरह दे सकते हैं. बाकी यहाँ पे अभी जब हम शॉप वगैरह डिज़ाइन करेंगे तब डिटेल में थोड़ा सा और देखेंगे. ठीक है, सो दिस मच फॉर दिस ट्यूटोरियल. आई होप सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी. बाकी अगर कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. बाकी अगर कोई और डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो. बाकी साथ ही में मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलिएगा. एंड आगे और ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन.